साइन 30, द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, साइन 30 प्लस टैन 45 माइनस कोसेक 60, सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, राइट द करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज. साइन 30, साइन 30 इज 1/2 प्लस टैन 45 इज 1, कोसेक 60, साइन 60 इज √3/2, सो कोसेक 60 इज 2/√3, सेक 30, सी कॉस 30 इज √3/2, सो सेक 30 विल बी इक्वल टू 2/√3 प्लस कॉस 60, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 प्लस cot 45 इज इक्वल टू 1. सी वॉट आई हैव डन इज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पुटिंग द करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हियर. साइन 30 है 1/√2, टैन 45 है 1, कोसेक 60 की वैल्यू कैसे याद रखता हूँ मैं, साइन 60 √3/2 है, तो साइन 60 अगर √3/2 है तो कोसेक 60 2/√3 होगा. सेक 30 देखिए, cos 30 √3/2 है तो sec 30 होगा 2/√3, cos 60 1/2 है, cot 45 है 1. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, 1 × √3 होगा √3 और ये होगा 2√3 माइनस 2 × 2 होगा 4 डिवाइडेड बाय 2√3. यहाँ पर होगा 2√3 डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये होगा 2 × 2 = 4 प्लस 1√3 प्लस 2√3. दिस 2√3 विल कैंसिल, सो 1√3 प्लस 3√3, 2√3 इज 3√3 माइनस 4. यहाँ पर 1√3 प्लस 2√3 होगा 3√3 माइनस प्लस 4. अगेन यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, फिर से तुमको रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर. कैसे करोगे आप, दिस इज 3√3 माइनस 4 और यहाँ पर 3√3 माइनस 4, सो दिस इज एज गुड एज ए माइनस बी होल स्क्वायर. तो ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर है तो फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 × माइनस 2 × फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर. डिनोमिनेटर में 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, यानी ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड का फार्मूला आपको डिनोमिनेटर में यूज़ करना पड़ेगा. इन द डिनोमिनेटर विल हैव टू यूज द फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज 3√3 स्क्वायर, दिस इज 3√3 × 4 and this is × 4. 3√3 square minus 2 × 3√3 × 4 plus 4. तो ये 3√3 का स्क्वायर होता है 3 × 3 9, 9 × 3 कितना होगा 27 माइनस 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24, 4² = 16. इन द डिनोमिनेटर इट इज 3√3 माइनस 4². सो दिस विल बी इक्वल टू 27 प्लस 16 इज 33 माइनस 24√3. एंड इन द डिनोमिनेटर दिस इज 27 माइनस 16 शुड बी इक्वल टू 27 प्लस 16 इज 43 माइनस 24√3. 27 माइनस 16 इज 11, दैट इज द फाइनल आंसर. वॉट यू हैव टू डू इज 27 प्लस 16 43 होगा माइनस 24√3 और 27 माइनस 16 होगा 11. और नाउ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें सर, लेट अस सी. 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30. लेट अस सी, कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, साइन 60 √3/2 है, कॉस 60 है 1/2,
sec 30, cos 30 है रूट थ्री बाई टू, sec 30 होगा 2 बाय रूट थ्री, tan 45 इज ऑलवेज 1, sin 30 इज 1 बाय 2 स्क्वायर, cos 30 इज रूट थ्री बाय 2 स्क्वायर. सो वॉट आई है डन, sin 60 की वैल्यू है रूट थ्री बाय टू, cos 60 की वैल्यू होगी 1 बाय 2, cos 30 की वैल्यू है रूट थ्री बाय टू, तो sec 30 की वैल्यू होगी 2 बाय रूट थ्रू रूट थ्री, tan 45 इज 1, sin 30 इज 1 बाय 2 एंड cos 30 इज रूट थ्री बाय टू. तो वंस यू पुट द वैल्यूज एवरीथिंग इज वेरी सिंपल दैट यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 6th और 7th स्टैंडर्ड. सो दिस इज 5 इंटू 1 बाय 4 प्लस 4 इंटू 4 बाय 3 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 स्क्वायर इज 1 बाय 4, रूट 3 बाय 2 स्क्वायर इज 3 बाय 4. So this if you simplify, then what is that you are going to get here? Just check it out. This is 5 by 4 plus 16 by 3 minus 1. 5 by 4 plus 16 by 3 minus 1. And this is 4 by 4. 4 by 4 is how much? Cancel. So what is the LCM there? 5 by 4. Again I'll write it from that side here. 5 by 4 plus 16 by 3 minus 1. And I hope you can find out the LCM yourself. Here 12 hoga. 4 3s are 12. 3 4s are 12. And ye hoga 1 12s are 12. So this is 15 plus 64 minus 12. So this is 5 plus 4 is 9. 6 plus 1 is 7. So 79 minus 12 divided by 12. So 79 minus 12 is 9 minus 2 is 7. 7 minus 1 is 6. So 67 divided by 12 is the answer.